गुड मॉर्निंग गाइस, जैसे कि मैं हूँ अपने घर पे और आज मैं जाने वाला हूँ बाराबंकी। और बाराबंकी में है एक बहुत ही मशहूर अभिनेता का घर जो कि है नसीरुद्दीन शाह, और मैं उनका घर दिखाने वाला हूँ। और मैं वो घर दिखाऊंगा जिस घर में उनका जन्म हुआ था। तो बाराबंकी सिटी जो है वो मेरे गाँव से है 50-60 किलोमीटर के दूरी पर। वैसे तो मेरा गाँव भी बाराबंकी में आता है, लेकिन नसीरुद्दीन शाह का जो घर है वो बाराबंकी सिटी में है। तो अभी मैं अपने घर से निकलूँगा नियामतगंज के लिए, जो कि नियामतगंज हमारे गांव से थोड़ी दूर पे एक चौराहा है, जो कि वहां से हमें बाराबंकी के लिए बस मिलेगी। तो अभी हम फटाफट अपने घर से निकलते हैं। मैं नियामतगंज आ चुका हूं और यहां पे मैं सबसे पहले सैनिटाइजर खरीदूंगा, क्योंकि वीडियो बनाने के साथ साथ में खुद का भी ध्यान रखना है। और ये मेरे पीछे बस लगी है जो कि ये बाराबंकी जाएगी, तो मैं सबसे पहले मैं चलकर सैनिटाइजर खरीदूंगा, फिर बस से मैं चलूंगा। ये है नियामतगंज चौराहा जो कि देख सकते हैं, जो कि अभी काफ़ी सारी दुकानें नहीं खुली हैं। सो गाइस, ये है बाराबंकी बस स्टैंड जो कि देख सकते हैं, काफ़ी सारे बसें खड़ी हैं। और ये है देवा रोड, जो कि इसी रोड के आसपास में ही नसीरुद्दीन शाह का घर है। अभी मैं आ चुका हूँ नसीरुद्दीन शाह के घर के पास में, जो कि देख सकते हैं ये वही घर है जिस घर में उनका जन्म हुआ था। और वो जब अपनी वाइफ के साथ एक बार यहाँ पे आए थे, तब उन्होंने इस घर के सामने एक अपना फ़ोटो भी खिंचवाया था, जो कि वो यहाँ पे खड़े होकर दोनों लोग एक फ़ोटो भी खिंचवाया था यहाँ पे खड़े होकर, जो कि मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगा उस फ़ोटो का। तो अभी मैं बैक कैमरे से पूरे घर को मैं दिखाऊँगा कि कैसा ये बना है, अभी कैसा है ये। ऐसे ये देख सकते हैं इस घर में नसीरुद्दीन शाह का जन्म हुआ है, जो कि पूरा खंडर हो चुका है। और देख सकते हैं सब खप्पर लगा हुआ है ऊपर, और ऊपर तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन में बना हुआ है घर, लेकिन पूरा खंडर हो चुका है। और इस घर में कोई समय रहता नहीं है, जो कि देख सकते हैं। और उस साइड में लाइट भी एक जल रही है, और एक पेड़ है। अब ये क्या चीज़ का पेड़ है मुझे तो नहीं मालूम है। और आगे देख सकते हैं सब ऐसे ही कचड़ा पड़ा हुआ है ये सब। और इस साइड में ये घर है, इसी घर में उनका जन्म हुआ है, देख सकते हैं। थोड़ा पीछे के साइड से मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं सारा ऐसे कूड़ा कबाड़ा ऐसे पड़ा हुआ है। और ये है घर, देख सकते हैं ये गुलाब का पेड़ है एक, और ये घर है। ये घर है, थोड़ा अंदर से दिखा देता हूँ। ये पूरा खंडर हो चुका है, दरवाज़ा भी टूट गया, इस साइड का भी दरवाज़ा पूरा टूट गया है। ऊपर भी जो खप्पर लगे थे वो भी सब टूट गए हैं, जो कि देख सकते हैं पूरा खंडर हो चुका है ये। तो अंदर देख लीजिए, पूरा अंधेरा है।
अंदर कुछ इस तरह बना हुआ है और लाइट भी साइड में लगी है। ये देख लीजिए, ये है घर, अंदर से कुछ इस तरह दिखता है। और दादी जी ने अपना ये घर दिखाया है, जो कि दादी जी का ये घर है। अब देख लीजिए, पीछे के साइड से दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं पूरा खंडर की तरह है एकदम, क्योंकि इसमें कोई रहता नहीं है, पीछे की साइड है। ये पूरा ये घर है खंडर की तरह एकदम। बहुत ही पुराना घर ये है, क्योंकि इसमें कोई रहता भी नहीं है। ये सब ऐसे ही कूड़ा कबाड़ा ऐसे पड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं। फिर हम आगे एक साइड में आ गए हैं। तो ये है, देख सकते हैं भाई, यहाँ पे अपने नसरुद्दीन शाह का जन्म हुआ था। और पहले के भी ज़माने में काफ़ी रईस ख़ानदान से हैं नसरुद्दीन शाह, जो कि उनके पिताजी काफ़ी रईस रहे होंगे, तभी तो ऐसा डिज़ाइन में घर बना हुआ है। इस साइड में कुछ बकरी टहल रही हैं। तो यही है घर उनका। ये देख सकते हैं अपने सभी दरवाजों पे ताला लगा हुआ है। गाइस, ये जो घर है, इस घर को एक अंकल ने ख़रीद लिया है, जो कि उनका एक रोड पे मेडिकल है, जो कि अभी ये नसरुद्दीन शाह का घर नहीं है, जो कि उन अंकल ने ख़रीद लिया। उनका दुकान एक वो रोड पे है, मेडिकल है एक, तो अभी चलकर मैं उस मेडिकल को भी दिखा दूंगा। ये वाला मेडिकल है उन अंकल का, जिस अंकल ने नसरुद्दीन शाह का घर ख़रीदा है। ये वाला जो दिख रहा है, ये मेडिकल उन्हीं का है। मैं बस स्टैंड वापस आ चुका हूं, और नसरुद्दीन शाह का घर तो देख लिया होगा आप सभी भाइयों ने। और गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा है, और जो कि पसीना निकल ही रहा है। और इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह नए नए वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक लिए टाटा बाय बाय।